जब छिड़ी तो चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या औकात है, पूरा भूगोल बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐतिहासिक फिल्म पटना से पाकिस्तान। इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पटना से पाकिस्तान ये एक एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्म थी, जिसे रिलीज किया गया था 6 मार्च साल 2015 को। इससे कुछ महीने पहले 23 जनवरी साल 2015 को इस फिल्म को बिहार में रिलीज किया गया था। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, अशोक समर्थ, सुशील सिंह, संजय पांडे, प्रकाश जैस, किरण यादव, गोपाल राय जैसे बेहतरीन कलाकार। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी संभावना सेठ। फिल्म की स्टोरी और फिल्म को डायरेक्ट किया था संतोष मिश्रा ने, प्रोड्यूस किया था अनंजय रघुराज ने और म्यूजिक दिया था राजेश रजनीश की जोड़ी ने। इस फिल्म में 46 मिनट 25 सेकंड लंबाई के कुल 12 गाने रखे गए थे। फिल्म के ज्यादातर गाने में अपनी आवाज दिया था जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ, कल्पना, खुशबू जैन, रजनीश मिश्रा, आलोक कुमार और इंदु सोनाली ने। इस फिल्म के गाने सुपरहिट साबित हुए थे। फिल्म के कुछ बेहतरीन गानों के बोल थे, जैसे कि दबे पाव अय्या, हम है पिया जी के, बम बम बोल रहा है काशी में, रंग दे बसंती चोला और आशिकी ने आशिकी से। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2015 की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये फिल्म कई थिएटर में 50 दिन तक तो कई थिएटर में 100 दिन तक भी चली थी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर एक, पटना से पाकिस्तान साल 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की रेस में नंबर एक पर थी। बात करें उस साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में, तो इस लिस्ट में नंबर एक पर थी पटना से पाकिस्तान, नंबर दो पर थी निरहुआ रिक्शा वाला तू, नंबर तीन पर थी जिगर वाला, नंबर चार पर थी राजा बाबू और नंबर पाँच पर थी हुकूमत। फैक्ट नंबर दो, इस फिल्म में मैन विलन की भूमिका निभाई थी अशोक समर्थ ने और ये अशोक समर्थ की पहली भोजपुरी फिल्म थी और अशोक समर्थ ने इस फिल्म से पहले काफी बॉलीवुड, साउथ और मराठी फिल्मों में काम किया था और अशोक समर्थ ने अभी तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 4 ही फिल्मों में काम किया है, पटना से पाकिस्तान, बेटा, बलमजी लव यू और शेर सिंह। फैक्ट नंबर तीन, पटना से पाकिस्तान आम्रपाली दुबे की जुबली स्टार निरहुआ के साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले आम्रपाली दुबे ने जुबली स्टार निरहुआ के साथ निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म में काम किया था, जो कि 2014 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और पटना से पाकिस्तान 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फैक्ट नंबर चार, पटना से पाकिस्तान जुबली स्टार निरहुआ, आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी की एक साथ पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद इन तीनों की जोड़ी हमें आशिक अवारा और मेरे हस्बैंड की शादी फिल्म में देखने को मिली थी। फैक्ट नंबर पाँच, इस फिल्म में जुबली स्टार निरहुआ ने आधी से कम फीस में काम किया था। फैक्ट नंबर छह, पटना से पाकिस्तान भोजपुरी इंडस्ट्री की उस समय की सबसे महंगी बजट की फिल्म थी। इस फिल्म को 3 करोड़ के हाई बजट के साथ बनाया गया था और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इससे पहले तक इतनी महंगी बजट की फिल्म नहीं बनी। फैक्ट नंबर सात, इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने में लगभग 80 दिन का समय लगा था। फैक्ट नंबर आठ, पटना से पाकिस्तान इस फिल्म की स्टोरी उस समय बन रही भोजपुरी फिल्मों से काफी अलग थी। ये कहानी थी कबीर नाम के एक युवक की, जो कि आतंकवादी हमले में अपने पूरे परिवार को खो देता है। कबीर अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार से गुहार लगाता है, लेकिन सरकार उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तब वो मामला अपने हाथ में ले लेता है। वो पटना से पाकिस्तान जाता है और आतंकी संगठन से लड़ता है। फिल्म की स्टोरी काफी अलग थी और इस फिल्म को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। ये फिल्म 2015 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें भारत और पाकिस्तान का मुद्दा दिखाया गया था।
निर्माता और इस फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए इसी तरह की विषय वस्तु वाली फिल्में बननी शुरू हुई थी, जैसे कि दुल्हन शाही पाकिस्तान से, गदर ले आए दुल्हनिया पाकिस्तान से, इलाहाबाद से इस्लामाबाद तक आदि। तो दोस्तों, ये थी पटना से पाकिस्तान फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। बहुत जल्द हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।